आज हमारे पास एक इंडक्शन आया है, ये देखिए, ये चाकरीस कंपनी का है, थोड़ा पुराना मॉडल है। इसका प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। ये देखिए, पावर ऑन किया, कस्टमर का कहना है इसमें गर्म नहीं हो रहा है। ये हमने पावर ऑन किया, फिर ये फंक्शन पे क्लिक किया, फंक्शन पे क्लिक करने के बाद ही E2 एरर आ रहा है। फंक्शन में जब हम क्लिक कर रहा है, क्लिक करते ही E2 का एरर आ रहा है। देखिए, ये थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहा है, तुरंत E2 का एरर आ रहा है और फैन चल रहा है। तो ये इसका E2 का एरर कहाँ से आता है और किस लिए आता है, हमें ये चेक करना है। हम पहले इसे ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और E2 एरर का वीडियो पहले भी मैं बनाया हूँ, थोड़ा पुराना हो गया है, फिर सोचा आज और एक वीडियो बना के देता हूँ। PCB अलग अलग होता है, एक एक मॉडल का एक एक टाइप का PCB होता है। इस मॉडल का PCB हम खोल के दिखाते हैं, इसमें E2 एरर आने से आपको क्या बदलना पड़ेगा, कैसे इसे रिपेयर करना है। हम पहले ढक्कन को हटा के रख देते हैं। ये देखिए, इस टाइप का PCB में E2 एरर आने से, इस टाइप का PCB में E2 एरर आने से क्या करना पड़ता है और क्या बदलने से E2 एरर जाएगा, हम इसे आज रिपेयर करके दिखाते हैं आपको। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैं इसे अभी चेक करता हूँ, चेक करके बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है और क्या क्या ख़राब निकलता है। तो देखिए, फाइनली हमने चेक किया है PCB को खोल के। ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 रेजिस्टेंस की वजह से। ये 5 रेजिस्टेंस में, ये पांचों का वैल्यू है, ये है 820, ये है 820 के, ये 820 के, और ये दोनों भी 820 के का है, और ये 270, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये 270, हाँ ये 270 के का है, ये 270 के का है। तो ये 5 रेजिस्टेंस हमें ज़रूर चेक करना है, और चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को पहले ओम, ये देखिए, रेजिस्टेंस मोड में सिलेक्ट कर लेना है, ओम्स मोड में, फिर इसे चेक करना है एक एक करके। पहले ये बड़ा दोनों चेक करते हैं हम। ये देखिए, ये 826 दिखा रहा है, ये सही है। दूसरा वाला देखते हैं, 820 दिखा रहा है, ये भी सही है। अभी ये देखते हैं, ये देखिए 819 दिखा रहा है, ये भी सही है। ये तीनों रेजिस्टेंस हमारा सही है। अभी ये देखते हैं, ये भी 820, इसमें वैल्यू शिफ्ट हो गया है। ये देखिए, ये 266 दिखा रहा है, इसमें 820 के होना चाहिए, ये 266 दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। और ये 270 दिखाना चाहिए, इसमें कितना दिखा रहा है देखिए, ये 270 दिखा रहा है, ये सही है, ये सही है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये पहले भी आपको दिखाया था मैं, और इसमें भी बोर्ड पे भी लिखा है। देखिए, मैं पास ला के दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, 820 के होना चाहिए, इसमें 260 के आसपास दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है, इसके लिए हमारा E2 का एरर आ रहा है। रेजिस्टेंस कोड भी देखिए और वैल्यू भी लिखा है इसका नीचे। ये रेजिस्टेंस चेंज कर देने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, E2 का एरर सॉल्व हो जाएगा। इसे हम चेंज कर लेते हैं, हमारा पास 820 के का रेजिस्टेंस है, हम लगाते हैं। लगा के अभी आपको दिखाते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो हमने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था लगा, इसमें हमने बदल के एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये देखिए इसकी जगह पे। अभी हम इस PCB को लगाते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है शायद। लगा के एक बार देख लेते हैं, पहले PCB का स्क्रू टाइट दे देते हैं, पूरा फिटिंग कर लेंगे। हमारा साइड से 100% है, ये ठीक हो गया बोल के फिर भी एक बार फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ।
अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को बना के देता रहूँगा। ये सब वीडियो देखने के बाद, जिस प्रॉब्लम का भी वीडियो बनाऊँगा ये वीडियो देखने के बाद, और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और कभी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ उल्टा लगता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं पूरा बता दूंगा आपको। ज़रूरत पड़ने से फ़ोन करके भी बताऊंगा। तो हमने इसे फिटिंग कर लिया है। अभी एक बार एसी लगा के आपको पानी गर्म करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए पहले अभी हम एसी ऑन करते हैं। ये देखिए एसी ऑन हो गया। अभी हम पावर बटन पे क्लिक करते हैं और फंक्शन पे क्लिक करते हैं। पहले देखिए E2 आ रहा था, अभी E0 आ रहा है। E0 आ रहा है तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी बर्तन दे के थोड़ा एक बार रिसीविंग चेक करा लेता हूँ आपको। ये देखिए पावर ऑन किया, देखिए सीरीज जल रहा है। ये देखिए अभी हमने डायरेक्ट में लगाया है, पूरा गर्म भी हो रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है E2 का प्रॉब्लम आने से क्या बदलना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, ये देख लीजिए आप। सिर्फ एक रेजिस्टेंस चेंज किया हूँ मैं और प्रॉब्लम आपका सामने ही ठीक हो गया है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। देखिए पानी गर्म हो गया है। इतना ही था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।